क्वेश्चन नंबर 16. अ थिन यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम है, हैज आउटर रेडियस 4r एंड इनर रेडियस 3r. मैं सबसे पहले इसकी डेंसिटी डिफाइन कर देता हूं, मास अपॉन इसका एरिया, पाई इंटू 4r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3r का स्क्वायर, यानी एम अपॉन 4r स्क्वायर. 16 में सुनोगे 7, तो पाई इंटू 7r स्क्वायर. ये तो हो गई डेंसिटी इस रिंग की. हमें निकालना है वर्क रिक्वायर्ड टू टेक यूनिट मास, वर्क अपॉन मास यानी पोटेंशियल, यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. पी पॉइंट पर पोटेंशियल और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल, इनका डिफरेंस निकालना है. तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो होता है, वो तो हमें पता ही. अब हमारा काम है इस एनुलर डिस्क की वजह से इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना. ये पोटेंशियल निकल जाएगा तो आंसर निकल आएगा. ये निकालने के लिए इस एनुलर डिस्क को छोटी छोटी रिंग से बना हुआ है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं. तो ये एक बिल्कुल छोटी सी रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, जिसकी विड्थ डी आर है. इस रिंग की वजह से अगर मैं यहां पोटेंशियल डिफाइन करूंगा तो ये पोटेंशियल होगा माइनस जी इंटू इस रिंग का मास. इस रिंग का मास लिखूंगा डेंसिटी एम अपॉन पाई 7r स्क्वायर इंटू इसका एरिया. ये डेंसिटी मास अपॉन एरिया के रूप में लिखी हुई है, तो इसलिए इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करते हो तो इस रिंग का एरिया होगा, ये सर्कल है तो 2πr, तो इसकी लेंथ हो गई और इसकी छोटी सी विड्थ हो गई dr, तो ये हो गया इसका एरिया. तो मास ये रिंग का हो गया और अपॉन, चूंकि इस रिंग से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r स्क्वायर, अगर इस रिंग की रेडियस r है, और प्लस 4r यानी कि 16r स्क्वायर का अंडर रूट. तो मैं यहां डिस्टेंस लिख देता हूं r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर का अंडर रूट. ये तो आ गया इस छोटी रिंग के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल. अब ये जो पोटेंशियल है ये तो एक रिंग के कारण है. अगर मुझे 3R से 4R तक की ऐसी छोटी छोटी रिंग्स, जिन रिंग्स से मिलकर ये कंप्लीट बन रहा है, उन हर एक के कारण निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दूं. तो इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा इस डिस्क के कारण, और लिमिट्स चूंकि R के रिस्पेक्ट में तो 3R से 4R तक चलेंगी. अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो G कॉन्स्टेंट है, माइनस साइन बाहर आ गई, M कॉन्स्टेंट है, ये पाए तो कट ही गया, ये 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर आ गया, और नीचे 7 और r स्क्वायर कांस्टेंट है. अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर तो सिर्फ r dr, और नीचे बचा r स्क्वायर प्लस 16 r स्क्वायर का अंडर रूट, और इसमें लिमिट्स फ्रॉम 3r से 4r. अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए अगर मैं r स्क्वायर प्लस 16 r स्क्वायर को अपने मन से अज्यूम कर लेता हूं t स्क्वायर, तो फिर उस केस में इसको डिफरेंशिएट कर दिया 2r dr, इसका डिफरेंशियल तो 0 इज इक्वल टू 2t dt. आर डी आर की जगह t dt लिख सकता हूं, तो यानी ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया माइनस जी एम इंटू 2 अपॉन 7r स्क्वायर, जहां पहले था आर डी आर की जगह लिख दिया t dt, और नीचे इसकी जगह लिख दिया t और इसका इंटीग्रेशन, तो ये t कैंसल, तो इसमें आंसर आ गया माइनस जी एम इंटू 2 अपॉन 7r स्क्वायर t, और ये जो t आंसर आएगा इस t को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं वापस से इससे, यानी ये हो जाता है माइनस जी एम 2 अपॉन 7r स्क्वायर और इनटू t की जगह अंडर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर विद इन लिमिट 3r से 4r. एक बार 4r डालूंगा तो 16r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर 32r स्क्वायर हो गया, तो इसलिए ये बन गया माइनस जी एम 2 अपॉन 7r स्क्वायर यानी 4√2r, और एक बार मैं 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 25, तो प्लस 5r माइनस 5r, और इस प्रकार से ये r कैंसिल होके ये r तो कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो आंसर मिलेगा यही पोटेंशियल का आंसर है एट p पॉइंट. अब जो आंसर हमें लाना है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डेल्टा वी ये हो जाएगा 0 पोटेंशियल माइनस वीपी. अब चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फाइनल आंसर 2gm अपॉन 7r इंटू 4√2 माइनस 5, और ये आंसर नंबर 1, तो इसलिए आंसर नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 17. इफ द रेशियो ऑफ लेंथ रेडियस एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास, तो मैं ऐसे लिख देता हूं लेंथ एल ऑफ स्टील अपॉन
लेंथ एल ऑफ ब्रास, ये रेशो दे रखा है ए. फिर रेडियस ऑफ स्टील अपॉन रेडियस ऑफ ब्रास, ये दे रखा है बी. और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, ये दे रखा है सी. ये तीन रेशो हमको दिए हुए हैं. और द रेशो बिटवीन द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील, दोनों के लेंथ के इंक्रीज के रेशो को हमको फाइंड करना है. यानी हमको फाइंड करना है डेल्टा एल चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील अपॉन चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास. अब हम ये जानते ही हैं कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बराबर फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर यंग्स मॉडुलस से ये रिलेशन डिराइव हो जाता है. अब अगर इसका यूज करूं मैं तो इस रिलेशन के हिसाब से डेल्टा एल स्टील, तो स्टील के लिए फोर्स डायग्राम में जो शो किया है स्टील की वायर के ठीक नीचे 4 किलोग्राम का मास लटका हुआ है, तो इसका मतलब 4 kg यहां पे लिख देता हूं मैं 4g, ये तो मैंने फोर्स की जगह लिख दिया स्टील के लिए. इनटू लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया की जगह पाई इनटू रेडियस ऑफ स्टील का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है. और इनटू वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये मैंने लिख दिया डेल्टा एल एस होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बी. अब इसके लिए फोर्स आपको डायग्राम में दिख रहा है कि 2 kg के ऊपर ब्रास है और ब्रास के नीचे 2 kg और 4 kg दोनों लटक रहे हैं, तो इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 kg हो जाएगा. तो 6g ये तो फोर्स हो गया. लेंथ ऑफ ब्रास LB हो गया, पाई इनटू रेडियस ऑफ ब्रास का स्क्वायर और इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास YB. तो अब आप देख सकते हैं कि ये जी से जी तो हटा देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. अब हमें यहां मिलेगा 4/6 मतलब 2/3. लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ ब्रास, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ ब्रास, तो दिस अपॉन दिस, ये रेशियो तो हमारे पास पहले से ये ए, तो मैंने इसकी जगह ए लिख दिया. फिर रेडियस ऑफ स्टील का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ ब्रास, ये ऑलरेडी है तो इसकी जगह अपॉन में बी स्क्वायर लिख दिया. और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, ये भी हमारे पास है तो इसकी जगह मैंने सी लिख दिया. और ये फाइनल आंसर आ गया, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर. तो आंसर 2 मैच करता है 2/3 ए अपॉन बी स्क्वायर इनटू सी. 2 capillary tubes, क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं अपन. 2 capillary tubes ऑफ सेम डायमीटर आर पुट वर्टिकली वन ईच इन 2 liquids हुज रिलेटिव डेंसिटीज, हमें लिक्विड्स की रिलेटिव डेंसिटीज दे रखी है. रिलेटिव डेंसिटी पहले लिक्विड की दे रखी है 0.8, रिलेटिव डेंसिटी दूसरे लिक्विड की दे रखी है 0.6. एंड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पहले लिक्विड का दे रखा है, मैं इसको टी मान लेता हूँ, T1 पहले लिक्विड का 60 डाइन पर सेंटीमीटर और दूसरे लिक्विड का दे रखा है 50 डाइन पर सेंटीमीटर. तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और हमें इन दोनों कैपिलरीज में रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ लिक्विड इन द 2 ट्यूब्स निकालना है. अब हमें पता ही है कि हाइट जो कैपिलरी में राइज होती है उसका फॉर्मूला होता है 2t cos θ अपॉन r ρg. अब सवाल में ऑलरेडी बोल रखा है 2 capillary tubes ऑफ सेम डायमीटर, तो ये r क्वांटिटी तो सेम हो गई और g तो सबके लिए सेम हो गई और cos थीटा भी सेम हो गया, तो cos थीटा r और g ये तो इक्वल है फॉर बोथ ट्यूब्स, दोनों ट्यूब्स के लिए इक्वल हो गए. यानी H1 अपॉन H2 ये रेशो अब सिर्फ डिपेंड करेगा एक तो सरफेस टेंशन पे और एक डेंसिटी पे, ये तो सबको सेम हो गए, तो इसलिए टेंशन T1 अपॉन डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड इनटू, चूंकि ये अपॉन में तो उल्टा हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड अपॉन सरफेस टेंशन ऑफ सेकेंड लिक्विड, ये फाइनल आंसर हमको मिलेगा. अब हमारे पास में टेंशन, सरफेस टेंशन 60 है इसका डाइन पर सेंटीमीटर में और इसका सरफेस टेंशन जो है वो 50 है, तो ये मैंने 60 और 50 इन दोनों की जगह लिख दिया. अब डेंसिटी 1, अब ये 0.8 रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है तो इसकी जगह मैंने 0.8 लिख दिया और ρ2 की जगह 0.6 लिख दिया. इसको मेरे को डेंसिटी में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि रेशो है तो सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, तो मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया. अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गए.
अब हमारे पास बचता है 6 × 6 / 8 × 5, तो 2 × 4 = 8 आ जाता है, 2 × 3 = 6 आ जाता है, फिर से एक बार 2 × 2 = 4 आ जाता है, 2 × 3 = 6 आ जाता है, फाइनल आंसर आ जाता है 9/10, और यही हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर मैच होता है, तो इसलिए आंसर 4 यानी कि 9/10 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ले लिया जाए। बाय सकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ अ स्टूडेंट कैन रिड्यूस द प्रेशर इन हिज लंग्स टू 750 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 760 mm होता है यानी 76 cm ऑफ मर्क्यूरी, और उसने अपने लंग्स का प्रेशर 750 mm यानी 75 cm कर लिया, तो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन लंग्स ये आ जाएगा 76 cm माइनस 75 cm ऑफ मर्क्यूरी यानी 1 cm ऑफ मर्क्यूरी। ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसके लंग्स के प्रेशर का डिफरेंस हो गया। डेंसिटी दे रखी है 13.6 मर्क्यूरी की। यूजिंग द स्ट्रॉ ही कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम ग्लास। अब ग्लास में जो पानी है बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो उसका जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है वो जिस हाइट के लिए इतना ही मैच होगा उसी हाइट तक का स्ट्रॉ से पानी वो पी सकता है। इसका मतलब इसका जो प्रेशर डिफरेंस है यानी कि रो जी एच, तो डेंसिटी 13.6 इंटू जी इंटू एच की जगह 1 cm, ये मर्क्यूरी की वजह से प्रेशर डिफरेंस है, और स्ट्रॉ में जो पानी का प्रेशर डिफरेंस होगा वो प्रेशर डिफरेंस होगा पानी का डेंसिटी 1 g/cm³ इंटू जी और इंटू एच। ये पानी वाटर के लिए हाइट है, जितनी हाइट के डिफरेंस की वजह से सेम प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा। अब जी से जी कैंसिल और फाइनल आंसर, चूंकि हमने सब सीजीएस सिस्टम लिया है तो आंसर सीधे सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो वाटर का जो हाइट वो स्ट्रॉ से पानी पी सकता है वो होगा 13.6 cm, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 3, तो इसलिए आंसर 3 ये करेक्ट ऑप्शन है 13.6 cm।